ये LIC का क्या मसला है? मतलब प्रधानमंत्री ने बोल दिया और उसके बाद क्या रॉकेट हुआ है? बल्कि सही बात तो यह है कि उससे पहले भी अच्छी खासी चाल बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि 600 पे कहाँ अटका हुआ था और वहां से बढ़ के ये दोगुना होने की तरफ है। नहीं, बिल्कुल होना ही था। देखिए, सबसे बढ़िया बात है, देखिए LIC के IPO की वजह से कई जो बेचारे रिटेल निवेशक थे जिन्होंने पहली बार ही IPO में लगाया था और वो LIC में लगाए थे, मुझे याद है कितना बड़ा एक माहौल बना था कि LIC का IPO आ रहा है, लोग जो LIC पॉलिसी होल्डर्स थे उनके लिए अलग, और पूरा एक रिवोल्यूशनरी था। पहले एक बार कोल इंडिया में बना, उसके पहले रिलायंस पावर में बना ऐसा माहौल, और अब यहाँ बना है। तो आई फील कि ये एक मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत सस्ती इंश्योरेंस कंपनी है, और जो स्टॉक मार्केट इतना चला है तो असली ट्रेजरी गेन्स तो इन्हीं के ही आए हैं, क्योंकि जब भी सरकार को कोई रास्ता नहीं दिखता है तो LIC के पास फोन जाता है और LIC ही इनफैक्ट व्हाइट नाइट की तरह सेवियर बन के आती है और स्टॉक्स को लिफ्ट करती है, और ऐसे मार्केट्स में वो लोग नीचे के लेवल्स पे लेते हैं। तो पैसा तो LIC ने बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो पेनिट्रेशन LIC की है और जो वैल्यूएशन सस्ते हैं और जितनी बड़ी साइज है ये कंपनी की, उसके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेजरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कैचिंग द पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी सीन और थीम और स्टीम बाकी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहें, और थोड़ा बहुत भी करेक्शन आए तो एंट्री लेने की कोशिश करें, डरना नहीं चाहिए। जी, तो LIC यहाँ पे बने रहने की सलाह, और थोड़े उतार चढ़ाव में नए निवेश का मौका ही समझें, घबराने की जरूरत नहीं पड़ी।